हेलो दोस्तों, आ गया हूँ आप सबके बीच एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अभी इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं और मोबाइल से कोई भी एप्लीकेशन फेसबुक आपने चालू कर दिया और आपका फेसबुक चल ही नहीं रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, जबकि आपके पास नेट भी सही है, सब कुछ सही है, डाटा भी चल रहा है, टावर भी बराबर काम कर रहा है, लेकिन फेसबुक ओपन नहीं हो रहा है। और उसी तरह जैसे आपने कहीं मार्केट गए, कोई सामान लिया, पैसे नहीं आपके पास जेब में, और आप सोच रहे हो चलो मैं गूगल पे कर देता हूँ, ठीक है, आपके पास नेट भी है और आपके गूगल पे में पैसा भी है, लेकिन जब आप गूगल पे कर रहे हैं बार कोड से तो वो पैसा उस खाते में नहीं जा रहा है, क्योंकि वो घूम रहा है, सर्च कर रहा है, लोडिंग कर रहा है, ऐसा कुछ बताएगा। तो मैं बताता हूँ इसकी वजह होती क्या है, ये किस वजह से ऐसा होता है। ना आप व्हाट्सएप चलेगा, ना आप फेसबुक चलाएंगे, वो लोड होता रहेगा, घूमता रहेगा, गूगल पे करेंगे तो भी फंसता रहेगा। तो मेन इसका क्या प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से ये होता है। तो दोस्तों, इसके लिए मुझे आप लोगों को अपने मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलना पड़ेगा और फिर अच्छी तरह समझाना पड़ेगा कि ये सब जो होता है किस वजह से होता है। तो चलो दोस्तों, आप सबको अपने मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलते हैं और इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आप ओपन करते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर गूगल पे करते हैं तो होता नहीं, बल्कि लोड होता रहता है, घूमता रहता है, सर्च होता रहता है। हेलो दोस्तों, आ गया हूँ आप सबको लेकर अपने मोबाइल स्क्रीन पे और इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि जैसे आप फेसबुक चला रहे हैं और वो चल नहीं रहा है, व्हाट्सएप चला रहे हैं घूम रहा है, आपके पास डाटा है, नेट है तो भी, गूगल पे है किसी को पैसा भेज रहे हैं तो भी नहीं जा रहा है। अब किस वजह से नहीं जा रहा है, आपका मोबाइल भी सही है, मोबाइल भी नया है और डेटा नेट सब सही है, फिर भी घूम रहा है, लोड हो रहा है और देर लग रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे अभी मैं मान लो कोई चीज़ ओपन करता हूँ, ये देखो फेसबुक, ठीक है, अभी नीचे देखो अभी ओपन हुआ है, ठीक है, तो ऐसे कभी कभी फंस जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे गूगल पे कुछ भी ओपन करेंगे, ये देखो टाइम लग रहा है, ठीक, तो ऐसे टाइम लगता है दोस्तों। तो आप क्या करना है, आपको इसमें कोई सेटिंग नहीं है, बस आपको यहाँ पर जो चीज़ आप खोलते हैं, चालू करते हैं, जैसे फेसबुक चालू कर लिया, फिर वहाँ से उसको बैक करके फ्लिपकार्ट में चले गए, फिर आप जो है कि गूगल पे में चले गए, फिर व्हाट्सएप में चले गए, और वो सब चीज़ें वहाँ पे रहती हैं स्क्रीन पे, ठीक है। तो आपको इसको कट करना पड़ता है, मतलब रिफ्रेश करना पड़ता है, जब आप रिफ्रेश कर देंगे तब आपका फिर से चालू हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है बाएँ साइड, ठीक है, यहाँ पर ये इसको क्लिक करेंगे तो जितना यहाँ पे स्क्रीन पे लोड हुआ रहेगा, ये देखो कितना सारा लोड है, देख रहे हो ना, ये सब रिफ्रेश आपको करना है, इसको कट कर देना, ये देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10 यहाँ पे है, तो यहाँ देखो कट का ऑप्शन है, इसको कट कर देना आपको, ये देखो अभी यहाँ फिर से दबाएंगे यहाँ कुछ नहीं है, ये देखो, और अब जब खोलेंगे आप तो तुरंत खुलेगा, ये देखो तुरंत देखो खुल गया, कुछ भी अगर यहाँ से अभी आप कुछ भी खोलेंगे तुरंत खुलेगा, ये देखो तुरंत खुल गया। तो दोस्तों, यही सब चीज़ें होती हैं, अगर कोई चीज़ लोड हो रही है तो समझ लो कि आप में स्क्रीन पे बहुत सारी चीज़ें खुल के और जमी हुई हैं और इसकी वजह से वो लोड होता है और इसलिए स्लो चलता है। तो फिर से एक बार करते हैं, देखो दो चीज़ें फिर से यहाँ कट, तो दोस्तों देखो फिर से एक बार मैंने रिफ्रेश कर दिया और आपको कट कर देना है, तो आपका फ़ोन एकदम सही सही चलेगा। दोस्तों, यही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ हमारी दी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी दी जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल नन्हे लाल टेक को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी भरी वीडियो मैं आप सबके बीच लाता रहूँगा।